हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं जय सिंह छावड़ी और माय यूट्यूब चैनल जी के भाई जय सिंह छावड़ी पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज भी एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं आपके बीच में, यानी कैप्सूल या रामबाण आप इसको कह सकते हो, जो कि पुलिस के एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो आइए हम देखते हैं, बात करते हैं इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। कौन कौन से युद्धों की बात करेंगे हम, जो वैदिक सभ्यता से लेके आधुनिक इतिहास तक के सारे युद्धों के बारे में बात करेंगे, और इन युद्धों से 100% 1% आपको एक दो प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा करते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं। देखिए हम सबसे पहले बात करें तो वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक की जो सभ्यता है इसका टाइमिंग है 1500 से 600 BC, और वैदिक सभ्यता में एक प्रमुख युद्ध हुआ, इस युद्ध का नाम है दशराज्ञ का युद्ध। कौन सा युद्ध? दशराज्ञ का युद्ध। तो हम तो देखते हैं दशराज्ञ का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दशराज्ञ का युद्ध, दशराज्ञ का युद्ध एक तो आपको याद रखना है परोसनी नदी, परोसनी या रावी, रावी नदी का प्राचीन नाम है जो परोसनी नदी कहा जाता है इसको। इस नदी के किनारे 10 राजाओं के संगठन, 10 राजाओं के संगठन दस राजाओं के संगठन को राजा सुदास ने पराजित किया। 10 राजाओं के संगठन को राजा सुदास ने पराजित किया। राजा सुदास भरत जन के कबीले से संबंधित था और एक त्रित्सु वंश से संबंधित था। तो आपको इसमें यही याद रखना है कि दशराज्ञ का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो दशराज्ञ का युद्ध रावी या परोसनी नदी के किनारे लड़ा गया, और 10 राजाओं के इस संगठन को राजा सुदास ने पराजित किया। इसके बाद में अगले युद्ध के बारे में बात करें हम, तो अगला युद्ध की अगर बात करें तो प्राचीन बड़े बड़े युद्धों की बात करें तो एक युद्ध हुआ था सिकंदर के साथ। किसके साथ? सिकंदर के साथ। देखो थोड़ा सा मैं आपको सिकंदर के बारे में जानकारी दे दूं, सिकंदर मकदूनिया का था। सिकंदर कहाँ का निवासी है? मकदूनिया, यूनान में एक स्थान है मकदूनिया, यहाँ का निवासी था। और इनके पिता का नाम था फिलिप सेकंड, राजा फिलिप सेकंड के पुत्र थे ये। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत के ऊपर अटैक किया था हिंदू कुश पर्वत से होते हुए, और सिकंदर को भी भारत में आंबी जो तक्षशिला का शासक था आंबी ने भी आमंत्रित किया था, और सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। तो सिकंदर से एक शासक ने युद्ध लड़ा था पोरस ने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, और इस युद्ध को कहा जाता है हाइडे स्पिच का युद्ध। कौन सा युद्ध? हाइडे स्पिच का युद्ध। और दोस्तों ये युद्ध झेलम नदी के किनारे लड़ा गया। किस नदी के किनारे? झेलम नदी के किनारे। और इस झेलम नदी को वितस्ता के नाम से भी जाना जाता था, वितस्ता। तो वितस्ता या झेलम नदी के किनारे जो युद्ध हुआ इस युद्ध का नाम है हाइडे स्पिज का युद्ध, और ये युद्ध हुआ 326 ईसा पूर्व के आसपास। और इस युद्ध में सिकंदर ने पराजित किया पोरस को। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ है? पोरस हुआ है, जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र इसके पास था, पोरस के पास। पोरस को बंदी बना लिया जाता है, सिकंदर के द्वारा पोरस को बंदी बना लिया जाता है। और जब बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया तो पोरस ने कहा, पोरस
पोरस से पूछा आपके साथ में कैसा बर्ताव किया जाए। तो बंदी पोरस ने कहा कि एक राजा दूसरे राजा के साथ में किस तरीके का बर्ताव करता है, वही बर्ताव मेरे साथ कीजिएगा। सिकंदर ने इसकी निडरता से प्रभावित होकर इसको अपना मित्र बना लिया। तो ये युद्ध हुआ हेड स्पीच, या इसको कहेंगे वितस्ता का युद्ध, जो कि पोरस और सिकंदर के मध्य में हुआ था। इस युद्ध के बाद में सिकंदर की सेना इतनी घबरा गई कि सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि व्यास नदी कई बार प्रश्न आया हुआ है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना किया। तो आपको याद रखना है सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना किया। आगे देखते हैं, जो प्रमुख युद्धों की श्रृंखला की बात करें तो आगे एक युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट। और दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में। आप सबको पता है तराइन का मैदान वर्तमान में हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे स्थिति को लेकर तराइन का मैदान कहाँ स्थित है, तो तराइन का मैदान हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। और तराइन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, ये भी आपको याद रखना है। तराइन का युद्ध दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान, अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, गोर प्रदेश का था, इन दोनों के बीच ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध में विजय कौन रहता है? पृथ्वीराज चौहान विजय रहता है और मोहम्मद गोरी इस युद्ध में पराजित हो जाता है। लेकिन एक वर्ष के अंतराल के बाद में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ है? 1192 में। किन किन के बीच में? वही मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। दोस्तों इस युद्ध में परिस्थिति बदल गई और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पराजित कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। यानी इस युद्ध में पराजित कौन हुआ? पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ। और तराइन के सेकेंड युद्ध को भारतीय इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट या इसको आप बोल सकते हो मोड़ बिंदु कहा जाता है। भारतीय इतिहास का मोड़ बिंदु किस युद्ध को कहेंगे? तो तराइन के द्वितीय युद्ध को कहेंगे। मोड़ बिंदु क्यों कहा हमने? मोड़ बिंदु इसलिए कहा कि तराइन के सेकेंड युद्ध के बाद में भारत में तुर्कों का एक तरीके से आगमन हो गया। तुर्कों ने यहाँ राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली और तुर्कों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। जैसे अगर मैं बोलूँ मोड़ बिंदु क्यों कहेंगे, एक टर्निंग पॉइंट कैसे कहेंगे, तो भारत में बहुत सारे चेंजिंग हुए। इन्होंने यहाँ इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, मंदिरों की जगह मस्जिदों का निर्माण शुरू करवा दिया, मंदिरों को ढहाना शुरू कर दिया। इस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार जोर शोर से होने लगा, इसलिए इस युद्ध को मोड़ बिंदु के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का युद्ध। अब देखिए पानीपत के अगर मैदान की बात करें तो पानीपत का मैदान ये हरियाणा में स्थित है। पानीपत का मैदान कहाँ स्थित है? हरियाणा में है। और पानीपत के मैदान में तीन युद्ध हुए। कितने युद्ध हुए दोस्तों? तीन युद्ध, बड़े तीन युद्ध हुए। और इन तीनों युद्धों की बात करें
सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पानीपत के प्रथम युद्ध की। प्रथम युद्ध, और पानीपत के मैदान में प्रथम युद्ध हुआ 1526 में। पानीपत के मैदान में पहला जो युद्ध हुआ ये हुआ 1526 ईस्वी में। और ये युद्ध किन किन के बीच में हुआ ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये मुगल वंश के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, जो कि लोदी राजवंश का अंतिम शासक था। बाबर और इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इस युद्ध में जीता कौन है? बाबर जीता है। इस युद्ध की खास विशेषताएं की अगर बात करें हम, तो इस युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, बाबर ने तोपखाना प्लस तुलगमा पद्धति का एक साथ प्रयोग किया, एक साथ प्रयोग किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तोपखाना और तुलगमा पद्धति का एक साथ प्रयोग किया। हालांकि तोपखाने का पहली बार प्रयोग बाबर ने 1519 में बाजोर और भेरा के दुर्ग को जीतने पर किया था। वैसे भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने एक हर्षोल्लास यानी उत्सव के समय पहली बार बारूद का प्रयोग करने वाला था, फिरोज शाह तुगलक। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। इसमें मुस्ताफ अली जो बाबर के प्रमुख तोपची थे, मुस्तारोमी मुस्ताफ अली ये बाबर के तो जो प्रमुख तोपची थे यानी तोप चलाने वाले थे। और इस युद्ध में जो युद्ध को सजाने की जो विधि थी ये तुलगमा पद्धति से युद्ध को सजाया गया। तोपों को बीच से जैसे गाड़ी में रख के रस्सियों से बांधा जाता था, उनके बगल में खाइयाँ खोदी जाती थी। इसके अलावा रिजर्वेशन जो संरक्षित सेना रखी जाती थी, तो ये एक तोपखाना और तुलगमा पद्धति का सामूहिक रूप है। इसका पहली बार प्रयोग किया इसने। और इस युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने पानीपत में पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने भारत में एक वंश की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, मुगल डायनेस्टी यानी मुगल वंश की स्थापना किस युद्ध के बाद हुई है? तो मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में हुई है। मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की? बाबर ने की। बाबर की अगर मैं बात करूँ तो बाबर का जो जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। फरगना की जो राजधानी थी अंदिजान, यहाँ इनका जन्म हुआ था। और 1494 में मात्र 11 वर्ष की अवस्था में ये शासक बन गए थे। इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बाबर के बारे में इतिहासकार लेनपुर ने कहा भी था, बाबर ने जिस तरीके से समुद्र में कंकर पत्थर इधर उधर भटकते रहते हैं, इस तरीके से ये भी भटकता रहा था। 1507 में इसने बादशाह या पादशाह की उपाधि धारण की। और इनके बाद में 1519 में इसने भारत में पहली बार अटैक किया और बारूद का प्रयोग किया। भारत में इसने 5 अटैक किए थे, 5 आक्रमण किए थे। 5वां जो आक्रमण था ये पानीपत का प्रथम युद्ध था। ये आपको बात ध्यान रखनी है। इसके बाद अगर बात करें हम, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध ये दोस्तों 1556 में हुआ। 21 अप्रैल 1556 को पानीपत का सेकंड युद्ध हुआ। और ये युद्ध हुआ मुगल शासक अकबर और हेमू के मध्य में। मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ 1556 में, पानीपत का सेकंड युद्ध। हेमू की अगर मैं बात करूं, आदिल शाह सूरी का सेनापति था हेमू, हेमचंद्र, और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक भी कौन है? हेमू है। और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की।
और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू भारत का 14वां हिंदू शासक था, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला भारत का अंतिम जो शासक है हेमू है, 14वां हिंदू शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वैसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला पहला जो शासक था मालवा का शासक था विक्रम। इस युद्ध में अकबर के सेनापति थे बैराम खां। बैराम खां इसका अतुल्य योगदान रहा और इस युद्ध में हेमू पराजित हो जाता है और हेमू युद्ध में मारा जाता है। हेमू मारा जाता है और पराजित हो जाता है पानीपत के सेकंड युद्ध के बाद। ध्यान रखना है आपको पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 21 अप्रैल 1556 को। पानीपत का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, मुगल सम्राट अकबर के सेनापति बैराम खां और आदिल शाह सूरी के सेनापति हेमू के मध्य में हुआ था। जब जनवरी 1556 में मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हुई, उस समय अकबर पंजाब के कालानोर नामक स्थान पर थे, गुरदासपुर में थे। वहीं ईंटों का सिंहासन बनाकर बैराम खां ने इनका राज्याभिषेक कर दिया और इसी समय इस मौके का फायदा उठाकर हेमू ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया और लगभग 3 महीने तक दिल्ली पर शासन किया था और इसको पराजित कर दिया अकबर के सेनापति हेमू ने। नेक्स्ट बात करें तो पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में। पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों, ये युद्ध हुआ 17 जनवरी 1761, जनवरी 1761। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए यहां से बनेगा, पानीपत का युद्ध कब हुआ तो आपको याद रखना है जनवरी 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दावली वे मराठों के मध्य हुआ था, मराठों के मध्य हुआ। अहमद शाह अब्दावली ने आक्रमण किया और इस युद्ध में मराठों का जो सेनापति था ये था सदाशिव राव भाऊ। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों ने प्रारंभ में एक बड़ी जबरदस्त टक्कर दी लेकिन अंत में ये हार का सामना करना पड़ा और इस युद्ध में जाटों के जो शासक थे, भरतपुर के शासक थे महाराजा सूरजमल तटस्थ रहे और मराठों की भागती हुई सेना को लगभग 1 लाख सैनिकों को महाराजा सूरजमल ने भरतपुर में संरक्षण प्रदान किया। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो हमने तीनों पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में बात कर ली। अब नेक्स्ट चलें, क्योंकि समय का अभाव है, राजस्थान पुलिस के हिसाब से हमें बहुत ज़्यादा संक्षेप में आपको बहुत कुछ देना है, इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। बाकी इनको एक एक युद्धों को जब हम पढ़ेंगे इतिहास में तो बहुत ही डिटेल से, बहुत ही विस्तृत से पढ़ेंगे। आज हम इनका जो मोटा मोटा सा एक रूप देख रहे हैं जहाँ से हमारा प्रश्न निकल जाए। आगे देखें, देखिए बाबर की अगर बात करें तो बाबर ने अपने जीवन में 4 बड़े युद्ध लड़े थे। कितने लड़े? 4 बड़े युद्ध लड़े थे और 4 बड़े युद्धों का क्रम मैं आपको बहुत ही संक्षेप में बताने वाला हूँ। तो 4 युद्धों का बाबर के द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम है पानी, पिया, खाना, खाया, चांद, देखा, घर गया और मर गया। बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध ये लाइन आपको याद रखनी है, एक बार आप इसको पढ़ लें। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। दो बार पढ़ेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपको याद नहीं होगी, आपको बिल्कुल याद होगी। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। देखिए दोस्तों, पानी कब पिया? 1526 में पानी पिया, 1526 में
पानी पिया, 1527 में खाना खाया, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 1528 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में 1530 में मर गया। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, 1526 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चांद देखा, 29 में घर गया और 30 में मर गया। या आप इसको शॉर्ट और बता दूं मैं आपको, पानी खांचे घाघरा में, पानी खांचे घाघरा में। अब देखो इसको हम खोलेंगे, देखते हैं। तो पानी से आपको युद्ध रखना है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानी से पानीपत का प्रथम युद्ध, और प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। किन किन के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया, और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एकमात्र शासक था जो युद्ध स्थल में लड़ता हुआ मारा गया, वो था इब्राहिम लोदी। खाना से आपको याद रखना है खानवा का युद्ध। खाना से खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था, और इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ। चांद से चंदेरी का युद्ध, चांद से चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध 30 जनवरी 1528 को हुआ था मेदिनी राय और बाबर के बीच में, और इस युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ। घर से घाघरा का युद्ध, घर से घाघरा का युद्ध, और घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में, और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। मर गया 1530 में, यानी 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, और बाबर को पहले आरामबाग आगरा में दफनाया गया, बाद में इसको यहाँ से निकालकर काबुल में दफनाया गया जहाँ इनका मकबरा बना हुआ है। तो हम एक एक युद्ध की बात करें, सबसे पहले पानीपत की हमने बात कर चुके हैं, हम बात करते हैं खानवा के युद्ध की। देखिए खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध कब हुआ? सत्रह मार्च 1527 को। खानवा की लोकेशन की बात करें, स्थिति की बात करें, खानवा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? दोस्तों खानवा नामक स्थान वर्तमान में भरतपुर जिले की रूपबास तहसील है भरतपुर में। तो रूपबास तहसील में एक नदी है गंभीरी नदी। कौन सी नदी? गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। खानवा का जो मैदान है वो किस जिले में है? तो आपको याद रखना है भरतपुर जिले में, भरतपुर जिले की भी रूपबास तहसील में। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है। खानवा नामक स्थान वर्तमान में कहाँ स्थित है? भरतपुर जिले की रूपबास तहसील में स्थित है। और ये युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो गंभीरी नदी के किनारे लड़ा गया। देखिए दोस्तों किस किस के बीच लड़ा गया, तो आप सबको विदित है कि ये युद्ध मुगल शासक बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो जाता है, और राणा सांगा का जो मुकुट था, मुकुट को झाला अज्जा ने धारण किया, और राणा सांगा को युद्ध स्थल से बाहर निकाला गया। खानवा के युद्ध में पहली बार राणा सांगा ने पाती पेरवन यानी पत्र व्यवहार, पाती पेरवन का प्रयोग किया। राणा सांगा को इस युद्ध में 7 बड़े राजा, 9 राव, 104 सामंतों ने साथ दिया था। 7 बड़े राजा, 9 राव और 104 सामंतों ने साथ दिया था। देखिए बड़े बड़े शासकों की अगर हम बात करें, राणा सांगा को इस युद्ध में साथ देने वाले शासक थे। मारवाड़ की अगर मैं बात करूं तो मारवाड़ में उस समय शासक थे राव गंगा, और राव गंगा ने 4000 सैनिकों के साथ में अपने पुत्र मालदेव को भेजा। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर का शासक था राय सिंह, राय सिंह इस युद्ध में कल्याणमल का पुत्र था, ये भी राणा सांगा की सेवाओं में उपस्थित हुआ। ईडर गुजरात में जो वहाँ का शासक था भारमल, वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ।
जयपुर में कछुआ शासक था पृथ्वीराज कछुआ, वो भी इस युद्ध में शामिल हुआ। इसके अलावा मेड़ता से इस युद्ध में वीरमदेव रतन सिंह ये भी शामिल हुए। इस युद्ध में डूंगरपुर से उदय सिंह शामिल हुए। इस तरीके से बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ राणा सांगा को सहयोग दिया खानवा के युद्ध में, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध में पराजित हुआ। और पराजित होने का जो कारण था, ये मेन कारण तो ये था कि जो राणा सांगा की सेना में जो हथियार थे ये पुराने हथियार थे, जबकि मुगल वंश के शासक बाबर के पास में आधुनिक अत्याधुनिक हथियार थे, सुव्यवस्थित रणनीति थी। और इस युद्ध में भी बाबर ने तुलुगमा और तोपखाने का एक साथ प्रयोग किया। मैंने अभी आपको बताया कि पहली बार बाबर ने जो तुलुगमा और तोपखाने का प्रयोग पानीपत के पहले युद्ध में किया था, इसके बाद में खानवा के युद्ध में भी इसका प्रयोग किया है। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद, जिहाद का मतलब होता है दोस्तों धर्म युद्ध, जिहाद घोषित किया। बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित किया, क्योंकि आपको पता है एक छोटा सा युद्ध इनके बीच में और हो चुका था। इस युद्ध का नाम था बयाना का युद्ध, और बयाना का युद्ध हुआ था 16 फरवरी 1527 को, यानी खानवा के युद्ध के लगभग एक महीने पहले राणा सांगा और बाबर की सेना के मध्य एक युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में राणा सांगा की सेना ने बुरी तरह बाबर की सेना को पराजित किया। बाबर की सेना में इतना डर इतना भय चला गया कि बाबर की सेना यहाँ से भागने लगी। और इसी समय एक फकीर ने ये भविष्यवाणी कर दी कि बाबर के दिन अच्छे नहीं हैं। बाबर ने जोश भरने के लिए सैनिकों से तमगा कर नामक, जो तमगा कर एक टैक्स था ये लिया जाता था, उसको माफ करने की घोषणा की। बाबर ने कहा आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, तो कई लोगों ने कहा कि मत पिए। कईयों ने कहा कि आज के बाद मैं सोने चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाऊंगा, मत खाओ। और बाबर ने सैनिकों में जोश भरने के लिए, उनको रोकने के लिए कहा कि ये तो धर्म युद्ध है, ये हिंदू और मुसलमानों के बीच में युद्ध है, ये तो नाक का सवाल है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। इसमें तो इस तरीके से बाबर ने जोश भरकर ये युद्ध लड़ा और आखिर में इसे सफलता मिली। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी निराश न हों। तो बाबर ने भागते हुए सैनिकों को रोक लिया, तो अपने कदम आप भी अपने कदमों को पीछे मत धकेलना, आप भी लगातार आगे बढ़ते रहना। आगे देखें, देखिए पानी से हमने बात की पानीपत का युद्ध, खाना से बात की हमने खानवा का युद्ध, आगे चंदेरी का युद्ध। थोड़ा सा मोटा सा बात कर लेता हूँ मैं, चंदेरी के युद्ध में क्या हुआ। देखिए दोस्तों चंदेरी की अगर मैं बात करूँ, चंदेरी का जो युद्ध हुआ है ये 1528 में हुआ है। आज हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए मैं थोड़ा सा संक्षेप में और थोड़ा जल्दी फास्ट बता रहा हूँ आपको। चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ। ये चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय, मेदिनी राय। और इधर से मुगल शासक कौन थे, बाबर थे। बाबर ने इस युद्ध में मेदिनी राय को पराजित किया। इस युद्ध में पराजित कौन हुआ है, मेदिनी राय। चंदेरी नामक स्थान की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो गागरौन झालावाड़ का आसपास का क्षेत्र और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र इसमें शामिल था। और जो गागरौन का 1519 में युद्ध हुआ था, राणा सांगा ने जो मालवा के शासक को पराजित किया था, उसी से छीना हुआ भाग था चंदेरी। तो ये जो चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित हो जाते हैं, किससे पराजित हो जाते हैं, बाबर से। और इस युद्ध में बाबर विजय रहा। चंदेरी के बाद में हमने बात की 1528 में चंदेरी का युद्ध हुआ, 29 में घाघरा का युद्ध हुआ। 1529 में कौन सा युद्ध हुआ, घाघरा का युद्ध हुआ। हम घाघरा के युद्ध की और बात कर लेते हैं। घाघरा, अब ऐसे मत सोचना आप घाघरा में कोई युद्ध होता है, दोस्तों घाघरा में कोई युद्ध नहीं होता है। बाकी जो घाघरा एक गंगा की सहायक नदी है घाघरा, और गंगा की सहायक नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध, घाघरा का युद्ध। और कब हुआ, 1529 में। ये हुआ अफगानों के मध्य, अफगान थे एक साइड और एक साइड थे बाबर। बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ, क्योंकि 1526 में इब्राहिम लोदी लड़ता हुआ मारा गया, और इब्राहिम लोदी के जो सगे संबंधी थे, उनके भाई थे, उन्होंने इस युद्ध में भाग लिया। और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया। तो मैंने जो अभी आपको एक लाइन बताई थी, पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया,
इनमें सारे जो चार युद्ध थे सब में कौन जीतेगा? बाबर जीतेगा, ये आपको याद रखना है। तो इसमें भी जीता कौन है? बाबर जीता है। क्लियर यहाँ तक? घाघरा का युद्ध कब हुआ? 1529 में। किन किन के बीच में? बाबर और अफगानों के बीच में। पराजित कौन हुए? अफगान पराजित हुए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अगला युद्ध की मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, अपने राजस्थान इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है और भारतीय इतिहास की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है, और इस युद्ध का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? आज हम प्रमुख बड़े बड़े युद्धों के बारे में ही बात कर रहे हैं यहाँ, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है, ये हुआ है दोस्तों 18 जून 1576। याद रखनी है आपको, तिथि भी याद रखनी है, 18 जून 1576। लेकिन राजस्थान का एक इतिहासकार है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा ने बताया कि ये युद्ध 21 जून को हुआ था। तो आपको पर्सनल अगर पूछे डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 21 जून, अन्यथा आपको करना है 18 जून 1576। सबसे पहले बात करें हल्दी घाटी वर्तमान में कहाँ स्थित है। दोस्तों हल्दी घाटी का जो मैदान है वर्तमान में राजसमंद जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? राजसमंद जिले में स्थित है। हल्दी घाटी नाम किसने दिया था? ये दिया था कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया था। किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने नाम दिया। हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के बीच में हुआ, तो ये भी हम बात करें। एक तरफ था मुगल शासक अकबर, एक तरफ था मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ केसरी या के का महाराणा प्रताप। तो मैं बात करूं यहां मुगल शासक कौन है इस समय? अकबर। और अकबर के दो सेनापति हैं, एक का नाम है मानसिंह, एक का नाम है आसफ खां। आसफ खां, ये वही आसफ खां है, आपने नाम सुना होगा कभी, नूरजहां, जिनकी माता का नाम था असमत बेगम। और असमत बेगम ने भारत में सबसे पहले इत्र का जो आविष्कार किया था, उसी का पुत्र आसफ खां। इसके पिता का नाम था गयास बेग, जिसका मकबरा आगरा में स्थित है, जिसको कहा जाता है एतमादौला का मकबरा। तो ये अकबर के सेनापति थे मानसिंह और आसफ खां। इधर से मेवाड़ की साइड से जो शासक है महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप की अगर मैं बात करूं तो इसके एक सेनापति है हकीम खां सूर, हकीम खां सूर, ये एकमात्र मुस्लिम सेनापति थे। महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सेनापति अगर आपसे पूछें, तो आपको याद रखना है हकीम खां सूर। इसके अलावा इसमें भीलों की ओर से एक दो टुकड़ी थी, और भील टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला था पूंजा भील। कौन है दोस्तों? पूंजा भील। ये प्रश्न पिछली बार राजस्थान पुलिस में पूछा गए, तो आपको याद रखना है पूंजा भील। यहाँ हरावल सेना है, यानी अग्रिम टुकड़ी का नेतृत्व करने वाला था हकीम खां सूरी। और इस युद्ध की योजना महाराणा प्रताप ने, एक दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? कुंभलगढ़, जिसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है, महाराणा कुंभा का निवास स्थल भी था। इस युद्ध की योजना महाराणा प्रताप की ओर से कुंभलगढ़ में बनाई गई, जबकि अकबर की ओर से इस युद्ध की योजना अजमेर के मैगजीन दुर्ग, कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग में बनाई। और यहां से 3 अप्रैल 1576, 3 अप्रैल 1576 को मानसिंह सेना लेकर रवाना हो जाता है, कहाँ के लिए? युद्ध के लिए। इन्होंने अगला पड़ाव मांडलगढ़ भीलवाड़ा में रखा, युद्ध की रणनीति बनाई। और यहाँ से आगे चलते हैं और मानसिंह पहुँच जाते हैं मोलेला गांव राजसमंद में, मोलेला गांव राजसमंद में। ये बात थी 17 जून की, 17 जून 1576 ईस्वी को महाराणा प्रताप की सेना आ जाती है लोहो सिंह गांव में।
लोहो सिंह गांव में, ये भी बात है 17 जून की। इधर को मान सिंह पहुंचे थे मोलेला में, 17 तारीख की बात थी यहाँ। 18 जून 1576 को प्रातः रणभेरी बजी, युद्ध प्रारंभ हुआ। और इस युद्ध में प्रारंभ में महाराणा प्रताप की ओर से मुगलों को इतनी भयंकर टक्कर दी कि ये पीछे हटने लगे, लेकिन बाद में कुछ तो महाराणा प्रताप की सेना में जो हाथी थे ये बिगड़ने लगे और अपने ही सैनिकों को रौंदने लगे। इधर से यहाँ से अकबर का एक आदमी था, इसने अफवाह फैला दी कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध में पधार रहे हैं। तो इस तरीके से मुगल सेना में कुछ जोश बढ़ा और इन्होंने पूरे जोश के साथ में, दुगने जोश के साथ में युद्ध लड़ना शुरू किया। और जो दूसरा पहर था, उस दूसरे पहर में प्रताप की सेना पीछे हटने लगी और यहाँ इनको विजयश्री, एक तरीके से बोलूँ तो इनको थोड़ी सी सफलता मिली। हालांकि ये युद्ध अनिर्णायक रहा। डॉक्टर गोपी चंद शर्मा या चंद्रशेखर शर्मा, जो मेवाड़ के मीरा महाविद्यालय का जो एक शोधरत था, उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि ये युद्ध अनिर्णायक रहा। और इस युद्ध में मानसिंह को कोई सफलता नहीं मिली। इस बात का प्रमाण है कि अकबर ने जब मानसिंह दरबार में गया तो इसको 6 माह के लिए डोडी बंद कर दी थी और इसका कोई मनसब नहीं बढ़ाया गया। तो इस तरीके हल्दीघाटी का युद्ध निर्णायक रहा और हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को रहा। किन किन के बीच में? अकबर के सेनापति मानसिंह और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप के जो एकमात्र सेनापति थे ये मुस्लिम सेनापति हकीम खां सूरी थे, जबकि भील सेना का जो नेतृत्व किया पूंजा भील ने किया। अब दोस्तों, इस युद्ध को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है, तो हम उसकी बात करें एक बार। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं बंदायूनी। बंदायूनी ने क्या कहा इस युद्ध के बारे में? देखो, बंदायूनी की अगर मैं बात करूं तो बंदायूनी अकबर के दरबार में रहता था और बंदायूनी इस युद्ध का प्रत्यक्ष दृष्टा था, देखने वाला था। और इसने बंदायूनी ने इस युद्ध को गोगुंदा का युद्ध बताया। कौन सा युद्ध बताया? गोगुंदा का युद्ध बताया। एक इतिहासकार है जो भी अकबर के दरबार में निवास करता था, इसका नाम था अबुल फजल। ये अबुल फजल और फैजी दो भाई थे, ये नागौर के रहने वाले थे। शेख मुबारक खां इनके पिता थे। अबुल फजल ने इस युद्ध को खमनोर का युद्ध बताया, ये भी आपको याद रखना है। खमनोर का युद्ध किसने बताया? अबुल फजल ने। अगर प्रश्न आपसे पूछे, एकमात्र इतिहासकार जो युद्ध का प्रत्यक्ष दर्शी था तो वो था बंदायूनी, ये याद रखना है। इसके अलावा इतिहासकार श्री वास्तव और इतिहासकार श्री वास्तव ने इस युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध बताया। कौन सा युद्ध? बादशाह बाग का युद्ध बताया। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, विशेष ध्यान रखना है आपको, कर्नल जेम्स टोड, जिसे राजस्थान इतिहास के जनक भी कहा जाता है, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली बताया। थर्मोपल्ली, ये लाइन आपको विशेष ध्यान रखना है, मेवाड़ की थर्मोपल्ली हल्दीघाटी के युद्ध को किसने बताया, तो आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टोड। इसके अलावा इस युद्ध को रक्त तलाई का युद्ध भी कहा जाता है, रक्त तलाई का युद्ध। इसके अलावा इस युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, हाथियों का युद्ध, क्योंकि इस युद्ध में कई हाथियों ने भाग लिया था। प्रमुख हाथियों के नाम मैं आपको बता दूं एक बार। यहाँ अकबर के पास में भी एक हाथी था, इसका नाम था हवाई। हालांकि अकबर इस युद्ध में स्वयं शामिल नहीं हुआ था। अकबर का सेनापति था मान सिंह और मान सिंह के हाथी का नाम था मर्दाना। क्या नाम है? मर्दाना। इसके अलावा यहाँ महाराणा प्रताप के कुछ हाथियों ने इस युद्ध में भाग लिए, उनका नाम आपको थोड़ा सा याद रखना है। प्रताप का जो मुख्य हाथी था उसका नाम था रामप्रसाद। क्या नाम दोस्तों? राम प्रसाद। इसके अलावा प्रताप का एक हाथी था, इसका नाम था वाकयाप। एक हाथी का नाम था खांडे राव।
और एक हाथी का नाम था लूणा। ये महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध हाथी थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हाथी था इसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद को वैसे मुगलों ने पकड़ भी लिया था और इसका नाम बदलकर इसका नाम कर दिया था पीर प्रसाद। ये युद्ध में बहुत ही दक्ष हाथी था। महाराणा प्रताप की जो घोड़े की अगर बात करें तो हम इनके घोड़े का नाम था चेतक, और चेतक घोड़े की जो समाधि बनी हुई है बलीचा गांव राजसमंद में बनी हुई है। इनके अलावा महाराणा प्रताप की अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो बांडोली गांव में 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये हल्दी हटे का जो प्रमुख मोटा मोटा सा जो आंकड़े थे मैंने आपके सामने। हाँ दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि समय का अभाव है, और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल जीके भाई जयसिंह छावड़ी को फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि सभी अभ्यर्थियों को राजस्थान पुलिस में यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध हो सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।